2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी चौसर बिछाई जा चुकी है। सभी सियासी दल राज्य दर राज्य अपने समीकरणों को साधने में लगे हैं। वहीं बीजेपी भी सभी सूबों में चप्पे चप्पे पर अपनी चतुरंगी सेना की तैनाती करने में लग गई है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर समीकरणों के साथ साथ जीत के फॉर्मूले तलाशे जा रहे हैं। ये बैठक इन्हीं तैयारियों को लेकर की गई, जिसमें प्रदेश की 5 सीटों पर प्रचंड जीत के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियों के साथ जीत का मंत्र भी दिया गया। मंगलवार को दिल्ली में होने वाली बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक से पहले देहरादून में बीजेपी चुनाव प्रबंधन की बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गईं, साथ ही तीसरी बार जीत पुख्ता करने के लिए रणनीतियां तैयार कर उसे जमीन पर उतारने की प्लानिंग भी तैयार की गई। बैठक चुनावी प्रबंधन की हुई है। प्रदेश स्तर पर एक प्रबंधन कमेटी बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे और संयोजक हमारे नरेश बंसल जी होंगे और तीनों महामंत्री सह संयोजक रहेंगे उसमें, और उसमें सभी 38 विभाग बनते हैं। सभी विभागों के प्रमुख बनाए गए हैं, उनको योजनाबद्ध तरीके से बताया गया क्या उनको करना है। हमारा लोकसभा में भी बन चुका है, कार्यालय खुल चुके हैं, प्रबंधन कमेटी वहाँ की भी बन गई है और विधानसभा के कोर ग्रुप बन चुके हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों पर विपक्षियों का सफाया करने की चुनौती पेश कर चुकी बीजेपी प्रदेश के एक एक बूथ के लिए अलग अलग प्लानिंग कर रही है। इसे लेकर सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जा चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी योजना और रणनीति बनाकर काम करती है प्रारंभ से ही, उसी के अंतर्गत चुनाव प्रबंधन समिति हर चुनाव में बनती है, अब भी बनी है, जिसमें लगभग हमारे 35-36 विभाग हैं, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को 100 से ऊपर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिली है प्रदेश स्तर पर। इसी प्रकार की समितियां हर लोकसभा स्तर पर विधानसभा स्तर पर बन करके अपने काम को अंतिम छोर तक लेकर जाते हैं और उसको पूरा करते हैं। ये टीम है जिसके आधार पर चुनाव हम लड़ने की रणनीति बनाते हैं। उत्तराखंड की 5 सीटों पर मुद्दों और समीकरणों को देखते हुए पार्टी जीत की गारंटी वाले महारथियों की तलाश में जुटी है, वैसे महारथी जो इन सीटों पर फतह पक्की कर सके। मंगलवार को बैठक में ऐसे जिताऊ चेहरों पर विचार करने के बाद केंद्रीय चुनाव समिति को सूची सौंप दी गई। अब आला कमान इन चेहरों पर आखिरी मुहर लगाएगी। बुधवार को दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में जेपी नड्डा और अमित शाह के अलावा उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, सांसद महेंद्र भट्ट और राज्य चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में उत्तराखंड से लोकसभा के मैदान में उतरने वाले चेहरों पर फाइनल मुहर लग सकती है। उत्तराखंड में बीजेपी हैट्रिक की तैयारी में जुटी है। पार्टी ने बूथ अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुखों तक उनकी जिम्मेदारी सौंप दी है। अब देखना ये भी दिलचस्प रहेगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ये तैयारी कितनी जिताऊ साबित होती है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।